बच्चों, आज जो है आप लोगों के बीच में एक नया प्रैक्टिकल लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि एनर्जी नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट वन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इसका जो डेरिवेशन है आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जब भी कोई स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो प्रत्येक अवस्था में उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। मतलब मैंने बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, एट एवरी स्टेज द टोटल एनर्जी रिमेंस कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट। देखिए, इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार जो है ऊर्जा जो है, मान लीजिए यहां पर एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति जो है यहां से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, तो प्रत्येक अवस्था में जब यहां से, मान लीजिए यहां से छलांग लगाते, कोई वस्तु हो, हमने व्यक्ति लिया, अगर प्रत्येक अवस्था में इसके कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। देखिए कैसे होता है, अगर हम पाई चार्ट और इसके बीच से हम बार ग्राफ के माध्यम से बताना चाहे तो देखिए, एक व्यक्ति है, यहां से देखिए, यहां से ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। देखिए जब यहां पर यहां से गिरता है तो प्रत्येक अवस्था में कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। कैसे, देखिए यहां पर जब इस अवस्था में है तो कुल ऊर्जा जो है वो केवल और केवल टोटल एनर्जी जो है, यहां पर देखिए टोटल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी, कुल ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहां पर है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है यहां पर, जब ये गिरता है तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और बाद में थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो प्रत्येक अवस्था में देखिए, प्रत्येक अवस्था में एक एनर्जी बढ़ता है तो दूसरा एनर्जी घटता है। ठीक, अगर हम इसको देखें तो देखिए यहां पर इस व्यक्ति को अगर हम यहां से गिराएंगे, क्योंकि तो ये इस 8 मीटर हाइट से, तो प्रत्येक अवस्था में ऊर्जा जो है नियत होता है। यहां से अगर हम इनको यहां से छोड़ दे तो देखिए इसके एक एनर्जी बढ़ता है तो एक एनर्जी घटता है। तो मतलब प्रत्येक अवस्था में ऊर्जा जो है नियत होती है। चलिए आप लोगों को इसका जो डेरिवेशन हमने अभी अभी किया था उसको फिर से एक बार बता देते हैं। तो देखिए यहां पर जो है, मान लीजिए एक वस्तु है स्वतंत्रता पूर्वक ए से गिराई जाती है, कभी ये बी पर आता है तो कभी पृथ्वी तल सी पर टकराता है। तो जब ये ए पर होता है, यहां पर जब ए पर होता है, देखिए जब ए पर होगा तो एट पॉइंट ए यहां पर बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने के कारण यहां पर ऊर्जा क्या होगी, स्थिर अवस्था में होने के कारण गतिज ऊर्जा शून्य होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा एट पॉइंट ए में क्या होगी, 1/2 m0² क्योंकि स्थिर अवस्था में है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक क्या है, ऊंचाई कितना है, h है, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगी, mgh। अगर दोनों एनर्जी को यहां पर ऐड कर दे तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो mgh प्लस 0, तो ea इज इक्वल टू mgh, मतलब ए पॉइंट पर कुल ऊर्जा जो है mgh के बराबर। अब मान लीजिए यहां से गिरकर यहां पर पहुंचता है, x दूरी तय करता है और यहां पर इसका वेग क्या होता है, v होता है, वेलोसिटी v होता है, तो ऊंचाई कितना बचेगा, अगर ये x है तो क्या हो जाएगा, ये h माइनस है x, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg h माइनस x, तो mg h माइनस mg x, ब्रैकेट ओपन करने पर। अब यहां पर हम आते हैं b पर, अगर यहां पर वेलोसिटी v है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v² = u² + 2as, तो यहां पर v² = u² + 2gx, क्योंकि दूरी कितना चलेगा x, तो 2gx, तो v² = 2gx, तो इसलिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सूत्र 1/2 m² तो 1/2 m v² का वैल्यू 2gx है, 2 2 कट गया मतलब mgx, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट में v क्या हो जाएगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh माइनस mgx प्लस mgx, तो mgx mgx कैंसिल हो जाएगा, तो ev इज इक्वल टू mgh, मतलब पॉइंट बी पर कुल ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है। इसी प्रकार एट पॉइंट सी पर जब ये पृथ्वी तल में टकराता है तो हाइट कितना हुआ, जब जमीन पर पहुंच जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो
तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, एम जी, एच की जगह क्या हो गया, जीरो, मतलब जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो हो गया। तो सी पर वेग अगर वी या कैपिटल वी से टकराता है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो यहां पर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर मतलब जीरो स्क्वायर, क्योंकि यहां पर वेग क्या है, जीरो है। और कितना डिस्टेंस चला, एच डिस्टेंस चला, तो एच हो जाएगा। किसके एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहां पर जी हो जाएगा, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। इस वैल्यू को जब हम काइनेटिक एनर्जी में रखते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जगह पर टू जी एच, टू टू कट गया, मतलब एम जी एच। इस प्रकार अगर पॉइंट सी पर देखे, इस पॉइंट पर सी पर देखे, तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, एम जी एच है। ठीक, मतलब क्यों, क्योंकि जीरो प्लस एम जी एच इज इक्वल टू mgh, मतलब ec is equal to mgh, मतलब at point a total energy mgh है, at point b total energy mgh है, at point c total energy mgh है। तो इस प्रकार जो है आपने इस derivation को देखा, इस derivation को already आप लोग को मैं बता चुका हूं, और इस प्रकार का derivation है। चलिए फिर से आपको practical lab में ले चलता हूं। पुनः मैं आप लोगों को इस प्रैक्टिकल लैब में ले आया हूँ। प्रैक्टिकल लैब में पुनः देखिए, अगर ये एक प्लेन है जिसमें हम एक व्यक्ति को अगर रख देते हैं, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को अलग अलग ऊंचाई पर ले जाते हैं। देखिए ऊंचाई में ले गए तो कुल ऊर्जा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर रहता है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस हाइट पर है, यहाँ से लेकर के जीरो, जीरो से लेकर ये हाइट 6 मीटर पर है, तो इसका कुल ऊर्जा जो है, टोटल एनर्जी इज कन्वर्ट हियर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इसको यहां से छोड़ देंगे, और ये जो सरफेस है, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, माने कोई भी घर्षण नहीं है, तो आप देखिए कैसा होता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आकर के पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप अगर एक सिंपल पेंडुलम लेंगे, तो पेंडुलम में भी जब आप यहां से रिलीज करते हैं, तो पेंडुलम यहां पर जब वो स्वतंत्र दोलन करता है, इस प्रकार दोलन करता है, तो हर समय क्या होता है, एनर्जी क्या रहता है, कन्वर्ट रहता है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, और ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है। इस प्रकार जब दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है इन पेंडुलम, सो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो सी इन दिस, यहाँ पर दो चीज हम देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर एक बार ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं, और यहाँ पर एक सर्कल जो देख रहे हैं आप, सर्कल, सर्कल में जो ग्रीन कलर है वो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ जगह पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, वहां जगह पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, यहाँ के काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, यहाँ पर जीरो हो रहा है, मतलब एक जीरो हो रहा है। जिस प्रकार आप दो दोस्त अगर आपके क्लासरूम में हैं, दो 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 बैग में मान लीजिए कुछ बुक है, एक के पास जो वजन है वो मान लीजिए 6 किलोग्राम का है, एक के पास 7 किलोग्राम का है, और कुछ एक व्यक्ति जो है, एक लड़का जो है, दो बुक निकाल के दूसरे फ्रेंड को देता है, तो क्या होगा, एक का कम होगा दूसरे का बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का टोटल क्या हो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर वो 7 और 5 12 किलो का वजन है, तो 7 और 12 किलो का जो मास होगा, दैट विल बी कांस्टेंट। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज यहां पर हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यहां पर एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अगर यहां पर फ्रिक्शन को हमने नहीं लिया, अगर हम यहां पर फ्रिक्शन को भी ले ले, फ्रिक्शन को भी ले ले, देखिए फ्रिक्शन को ले रहे हैं। देखिए तीन प्रकार का ऊर्जा का योग यहाँ पर नियत है। टोटल एनर्जी एक बढ़ता है, एक घटता है, एक बढ़ता है, एक घटता है, एक बढ़ता है, एक घटता है, और जब वो धीरे धीरे घर्षण के कारण धीरे धीरे वो व्यक्ति रुकता है, तो कुल ऊर्जा जो है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो है एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स वन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर एक ऊर्जा को हम दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आपके घर में अगर ये तो एक हमने मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन का डेरिवेशन करके दिखाया, और एक प्रैक्टिकल करके दिखाया। आपके घर में अगर ट्यूबलाइट है, बल्ब है, तो वहां पर विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में और उष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। अगर आपके घर में टीवी है, तो उस टीवी में जो एनर्जी है वो लाइट और साउंड और हीट तीन एनर्जी में कन्वर्ट होता है जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू लाइट, हीट एंड साउंड एनर्जी। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक प्रेस है, तो इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या होता है,
जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, है ना। तो हर उपकरण जो है एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के रूप में रूपांतरित यहां पर करता है। अगर आप देखेंगे जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, जब एनर्जी जो है वो क्या करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देखे होंगे जब मैंने फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था, उसमें मैकेनिकल वर्क हो रहा था। मैकेनिकल वर्क हो रहा था मतलब किसी भी मेथड से मैकेनिकल वर्क हो सकता है। जैसे आप टरबाइन को घुमाते हैं, पानी गिरता है डैम में, डैम में पानी जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब वो पानी गिरता है टरबाइन पर, गिरता है टरबाइन घूमता है और फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स वन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। तो आपने यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्रेशन आपने देखा। साथ में अगर हम इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर इसके वेलोसिटी को देखें, तो वेलोसिटी कंपोनेंट किस प्रकार वो चेंज होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए वेलोसिटी, अगर इस व्यक्ति को हम यहां से छोड़ देते हैं इस इंक्लाइंड प्लेन पर, देखिए वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपको स्पीडोमीटर में उसका वैल्यू आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एनर्जी जो है जब वो गिरता है ऊपर से नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।